हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटी आलू पालक की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो फिर चलिए इस रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे 250 ग्राम पालक, 2 मीडियम साइज़ के आलू, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटी हुई और 14 से 15 लहसुन की कलियाँ बारीक कुटी हुई। तो हम लोग यहाँ पे अपने बर्तन को गर्म कर चुके हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कुछ लाल मिर्च, मेथी सौंफ के दाने, बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। अब हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। हमारी लहसुन की कलियाँ यहाँ पे ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इसको हम अच्छे से पकाएंगे करीब 2 मिनट, जब तक प्याज का कच्चापन ना निकल जाए। इसको बीच बीच में हम लोग चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई आलू, जिसको हम पहले से कट करके रखे थे। उसको अच्छे से पकाएंगे हल्की ब्राउन होने तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अच्छे से हम लोग इसको पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। एक चम्मच हल्दी पाउडर, उसको अच्छे से हम लोग चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसालों को भूनने के लिए। इन मसालों को हम धीमी आंच पे करीब 5 से 6 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जो हम पहले से कट करके रखे थे। ये आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पे बड़े और बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे इस तरीके की आलू पालक की सब्ज़ी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक, उसको हम धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे, जबकि पालक में ऑलरेडी पानी रहता है, जिस कारण हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बस उसी पालक की पानी से इसको अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पालक यहाँ पे अच्छे से गल चुकी है। अब हम उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पालक आलू पालक की सब्ज़ी में पानी सूख चुकी है लगभग, और हमारी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखने में कितनी सुंदर है लग रही है, तो खाने में और भी टेस्टी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।